आपसे सिर्फ डेल्फा देखने के लिए, सही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा जनाब ये बताएं कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा है डेल्फा कैटल शो में आके, अपने घर की तरह बिल्कुल फील हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है बहुत। और सबसे अच्छी चीज ये अच्छी माशाल्लाह बोलूंगा, अल्लाह पाक नजरे जोर से बोलो माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बछड़िया देख लो आप, बछड़िया और ये देख ले भाई, सूरती का माशाल्लाह से माल है, सूरती का माल। इसमें फैलाव ज्यादा है, कवरें ज्यादा फैलाई जा रही है, काम अभी भी हो रहा है, एक्सपोर्ट अभी भी हो रहा है। और ये वाली बात कहनी के भाई लव बर्ड्स का कोई यानी के एंड यूजर नहीं है, लोकली कंजम्पशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बिकते नहीं है। नहीं नहीं, नहीं। आपने तो वीडियो नहीं बनाई थी, वो एक मार्केट स्ट्रेटेजी होती है कि इसको जो ना जिसका एक पीक होता है, उसका पीक के बाद एकदम ऐसे भ्रम करके आ गई थी आपकी मार्केट ग्रह है। इसके अलावा ये क्या यार, क्वालिटी में तो भरपूर है। मैं आपको जरा ट्रे दिखाता हूँ ना इसकी, सारा का सारा एस एस में बना हुआ है और एस एस प्लस एलुमिनियम कहा था, मैं खुद ही भूल गया, ऐसे ही कहा था ना ऐसा। Assalamualaikum and welcome back to another episode। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई हम लोग मौजूद हैं कहाँ पे मुश्ताफा भाई, आप दे दो इंट्रो जल्दी से, कहाँ मौजूद हैं? हैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। और दूर आपको जरा दिखाते हैं क्या चीज़ें, दूर नहीं सामने गाड़ी खड़ी है, ऐसे दिख जाएगा। कैटल शो है और यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी दिखाने वाली, वो सारी चीज़ें हमने दिखानी है। फैज भाई मौजूद हैं, पता नहीं आके कैसे छुपा रहे हैं, जैसे कि पता नहीं कुछ हैं। साथ में हारिस भाई एच एफ डेली अपडेट्स से, साथ में हमारे खान साहब। खान साहब खैर है? संगा खुशा सवाद से आया, सवाद से। तो चलो भाई आगे की चीज़ आपको दिखाते हैं। भाई अभी जो इंतजार है ना वो कुछ लोगों का इंतजार है, जिसमें अली है हमारे पास, माइकल है और दो तीन चीजें और है। अली है एक, माइकल हम माइकल को भी यहाँ पे ला रहे हैं हमने कैटल शो के, जिया एक कैटल शो के अंदर हमने कुछ अपने जानवर भी डिस्प्ले करने। और खान साहब ये आप इलाका गैर से आए भी कह रहे हैं? वो सीनियर आ रहा हूँ क्या, स्वाद सीनियर आया हूँ, मैं आया हूँ पाटा से। मुझे क्या बाटा से आयो? आप बोले स्वाद से आयो। ये कह रहा है इलाका गैर से आया था और अभी वो कह रहा है मैं बाटा से आया हूँ। खान साहब बाटा से? फाटा। खान साहब मजाक कर रहा हूँ, खान साहब मजाक कर रहा हूँ, फाटा सबको पता है यार, मैं तो हल्की सी ठंडी करने की कोशिश कर रहा था। तो भाई इंतजार है यहाँ पे दो चार चीजों का, कुछ बर्ड्स होंगे, कुछ एनिमल्स हैं और कुछ क्या चीजें केजेस वगैरह। कुछ एच वलीद अहमद की टीम है। हाँ एच वलीद अहमद की टीम, टीम के अच्छे खासे लोग आ गए हैं और अभी आपको स्टॉल के अंदर जाके चीजें भी से दिखाते हैं क्या प्लान है क्या चीजें हैं। आज हमारे साथ एक ब्लॉगर और है अजीमुशान, हारिस भाई। हारिस भाई उंगली तो आप ऐसे प्ले कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या, और मुझे नहीं पता था सब लोग इतना तैयार होकर आए, हम तो बस रैंडम उठकर आ गए और इनके होलिये देखो ये सारी चीजें, इतना तैयार उठकर आए। चलिए भाई आपको आगे की चीज दिखाते हैं भाई मंजर। हॉल के अंदर एंटर हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमारे सामने है। ये टीम का पहला बंदा, हमने कहा जब हम देना स्टॉल लगा रहे हैं उस चीज का, एक नई चीज का साथ निकलते ही हमारे साथ फाइक भाई, फाइक भाई और जिया साहब। अच्छा भाई जैसे ही लोग मिले उससे पहले ही देना एक इंटरव्यू शुरू हो गया हमारे यहाँ का। अच्छा इसमें एक सवाल और है कि खिलाड़ियों का एक बड़ा रोल होता है कि अगर जो आपके स्क्रीन जो हाई लेवल के खिलाड़ी हैं जो प्लैटिनम कैटेगरी में जाते हैं पाकिस्तानी, अगर वो भाई हॉल के अंदर एंट्री हो गई है और यहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो ये है कि अलग अलग कैटल फार्म के वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं इनको, टेंट लगे हुए हैं। इधर दिखाते हैं आपको, इधर दिखाते हैं भाई, इंशाल्लाह आएगा एक दिन हम भी लेके आएंगे। भाई जोर से बोलो, शोर बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह हम भी लेके आएंगे एक दिन। हाँ बहुत ही ज्यादा, क्या लेकर आएंगे एक दिन में से? यार गाय बकरे लेके आएंगे, जानी गोट फार्म वाला भी आएगा। हाँ अभी जानी गोट फार्म वाले आ गए भाई, जानी गोट फार्म वाले आप कब ला रहे हो यहाँ पे अपने बकरे? इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। अरे उसकी साहब के ड्राइवर कैसे हो भाई, शादी हुई है इनके दिखाओ ना भाई, इनकी शादी हो गई है माशाल्लाह से। किसके साथ हुई है? लड़की के साथ हुई है यार। भाई ऐसा है कि अभी हमें एक बंदा और मिले हैं एग्जीबिशन शुरू होने से पहले ही, और ये साहब आए हुए हैं पंजाब से सिर्फ डेल्फा देखने के लिए, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा जनाब ये बताएं कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा है डेल्फा कैटल शो में आके, अपने घर की तरह बिल्कुल फील हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, बहुत आउट क्लास आउट स्टैंडिंग। अच्छा माशाल्लाह से आपका अपना फार्म भी है या सिर्फ शौकीन है आप? मैं शौकीन हूँ, शौक से अपना फार्म भी है रहीमियर खान में, खानपुर में, रहीमियर खान में। अच्छा कौन से जानवर पालते हैं आइडिया दें जरा जल्दी से? स्लगर, ब्रह्मन, अच्छा हर तरह के जानवर। किस फार्म के नाम से काम करते हैं जरा बताएं? हाजी रशीद कैटल फार्म। हाजी रशीद कैटल फार्म के नाम से।
तो अगर किसी को कराची में कुछ चाहिए हो तो क्या चीज अवेलेबल करा सकते हैं, जरा इसका आइडिया दें। हर तरह के जानवर जो हमारे पास होंगे वो आपको हम दे सकते हैं। बस आपने फार्म का नाम बताया था, रशीद कैटल फार्म। हाँ जी, रशीद कैटल फार्म। तो फेसबुक वगैरह पर हैं आप? जी जी बिल्कुल। बस चले, काशिफ रशीद गुज्जर एडवोकेट। काशिफ रशीद गुज्जर एडवोकेट, चले चले। ओके साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। ये आपके साथ साथ हैं? ये भी आपके साथ सिर्फ एग्जीबिशन के लिए आए हैं? शौक है बहुत ज्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जना, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अच्छा भाई, ऐसा सीन है कि जो ना मुझे जानवरों को दिखाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन शोर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से विज़िट करा देते हैं आपको। ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारी टीम के लोग निकल गए हैं बहुत ही ज़्यादा आगे, तो बस ओवर हल्का सा ओवरव्यू दे देंगे, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, क्योंकि सच बताऊँ ना। अच्छा भाई, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था अली भी एक जानवर ला रहा है, वो जानवर माशाल्लाह से आ गया है। माइकल, तूने नमाज़ पढ़ी आज? यार मेरा भाई है यार, यकीन करें भाइयों वाली बात है। माइकल को मैं रोज़ नमाज का मजाक करता हूँ, रोज इससे मैं रोजे का मजाक करता हूँ, फिर इसके रोजे आजकल चल रहे हैं, भाई ये वाली बात है बिल्कुल। ठीक है भाई जान। अच्छा यार, जानवर के बारे में कुछ पता है, कुछ नॉलेज है जानवर के बारे में? यार अभी इतनी खास तो है नहीं। भाई से पूछ लें क्या है? भाई बताएंगे भाई के भाई, टाइम ऐसा है कोई भी नहीं बताएगा, तो ऐसी खाली ओवर हल्का फुल्का तो दिखाते थे माशाल्लाह से। यार बताओ तो सही, जानवर कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। हाँ जोर से बोलना। ये साहिवाल में क्रास है। साहिवाल का क्रास है। अच्छा अंदाजन इसकी डिमांड क्या होगी? अंदाजन सेठ को बता भाई, नहीं पता लगेगा जाहिर से बात है सबकी यहाँ पे, तो ना जब हम देख रहे हो माशाल्लाह से जानवर, यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। अली तेरे, अली अली तुम्हारे ख्याल में वजन क्या होगा जानवर का? ये सफेद वाले जानवर का वजन क्या होगा अंदाजन, मोटा मोटा? ये सफेद वाला जानवर मेरे वाले बकरे के पास थोड़ा सा कम, मेरे वाले बहुत। यार फेंकने के पैसे होना तो हमारे दोस्त सबसे आगे जीत जाए, और हमने सोचा था थोड़ी इन्फॉर्मेटिव करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ मजाक चल रहा है। सामने जानवर खड़ा हुआ है उसके बारे में बताओ। यार देखो रश बहुत ज्यादा है, शोर भी बहुत ज्यादा है, तो आपने बराए मेहरबानी लाउड बोलना है, ताकि हमारे लिए भी अच्छा हो और सबसे अच्छी चीज अच्छी हो। माशाल्लाह बोलूंगा, अल्लाह पाक नजरे बचाए। जोर से बोलो माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बछड़िया देख लो आप, बछड़िया, और ये देख ले भाई, सूरती का माशाल्लाह से माल है, सूरती का माल माशाल्लाह से भाई। अच्छा एक चीज़ है, अगर हमने 10 सेकंड भी रुके हैं ना तो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, तो अपने चैनल को रिस्क पे लेके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि पीछे जो है वो क्या चल रहा है, लाल मिरी म्यूजिक चल रहा है, तो ये कवाली चल रही है थोड़ी सी, तो ऑडियो थोड़ा खराब हो जाएगा। यार बच्चिया दिखाओ यार, यार उस बच्चे के बारे में बताओ, कौन सी बच्ची है, कितने तक की होगी, अंदाजन वजन में क्या होगा, चलिए बताओ। कम से कम भी 25-30 लाख रुपए की बच्ची है ये, 25-30 लाख रुपए की बच्ची है। अच्छा और वजन में तुम्हारे ख्याल में क्या होनी चाहिए? यार वजन में कम से कम भी 25-30 मन की बच्ची है यार, ये 25-30 मन की भाई माशाल्लाह से बच्ची होगी, ये बहुत इसे कहते हैं ना खूबसूरत किस्म का। भाई फेस देखो, भाई देख रहे हो कितना खूबसूरत फेस है माशाल्लाह। सारे जानवर पहले बुक होते हैं, बहुत कम जानवर इनसाइड अगर आपको दिखाएं तो दो चार चीजें। पहले लगा हुआ है एक याकत अली खान के नाम से स्टॉल, दूसरा है अपना याकत अली खानी है, एक यहाँ पे लगा हुआ है मजायात, उसके साथ जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं ये जिस स्टॉल से हम लोग बाहर निकले हैं, साथ में डेल्फा पैक, यहाँ पे ऐसे बातें कुछ शायद कुरानदाजी वगैरह का सीन है, और सामने फूड कार्ट है। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को विजिट करते हैं और देखते हैं जरा क्या क्या चीज़ें जो दिखाने वाली हैं भी या नहीं है। पे जो ना कुछ थोड़ा सा कम है आवाज़ शोर, तो हम यहाँ पे जानवर को तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। हारिस भाई जरा समझ के दिखाओ जानवर की हाइट वगैरह, जरा कंपेयर तो करें ना, ऐसे कैसे समझ में आएगा। तो देख रहे हो माशाल्लाह से, हाँ खरीद लिया क्या, खरीद लिया क्या? बात चल रही है, बात चल रही है। उसने 20 लाख बोले, मेरे पास बस सिर्फ 19.5 लाख का है, बस थोड़े से पैसों का फर्क है, बाकी रस्सी की बात चल रही थी। जानवर की रस्सी भी बेटा 20 लाख से कम की नहीं होगी, 70-80 लाख रुपए का जानवर है वो, देख रहे हो माशाल्लाह से साइज उसका। अरे यस, ये दूसरा जानवर आ गया माशाल्लाह से, ये देखो यार सबसे खूबसूरत जानवर, रेट करें कोई सा, क्या कहते हो? मैं तो बोलता हूँ ये कलर है यार बड़ा यूनिक है माशाल्लाह, ये वाला प्रिंट बहुत खास है, हमने इसको ऊपर से डाई कराया खाली और साइडों से इसको हमने लाइट रखा है। ये देखो भाई माशाल्लाह से शरीफ भी है, वलीद क्या बोलते हो ले जाए? हाँ गुर्दे हैं, गुर्दे बेच के भी नहीं आएगा वैसे तो, नियत करते हैं इंशाल्लाह भाई, देखो नियत करते हैं इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। हारिस भाई इंशाल्लाह, ये क्या निकाल रहे हैं? मोबाइल शलवार के अंदर जेब, माशाल्लाह क्या बात है, कराची है ना, कराची कराची। अच्छा भाई एक और जानवर माशाल्लाह से, और कौन से कैटल फार्म के यार ये? ये हैं अपने, ये कैटल फार्म का नाम क्या लिखा हुआ है? शमसी कैटल फार्म की तरफ से हैं ये माशाल्लाह से, और जानवरों के खूबसूरत देख रहे हैं, सारे जानवर माशाल्लाह से एक ही प्रिंट के अंदर हैं, हैं भाई सारे के सारे जानवर एक ही प्रिंट के अंदर है, क्या बोलते हो? थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा थोड़ा 19-20 का, यानी कि एक थीम है इन सबकी, थीम है
इन सब लोगों ने डिसाइड किया था कि आज व्हाइट पहनकर आएंगे और चेहरों का कलर चेंज है इनका, बाकी कपड़े जो है सबके वो जो एक है ना ये जो बीच में ये इसने जो ना थीम को अनफॉलो कर दिया, वरना जो है ना बाकी सबके सब सेम थीम के साथ आए हैं बिल्कुल। लोगों की पुरदोष फरमाइश के ऊपर माशाल्लाह से जानवर दिखा रहे हैं आपको। ये जानवर देख लो माशाल्लाह से यार, बहुत खूबसूरत जानवर लग रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें दूसरे सेक्शन पे जाकर ट्राई करना चाहिए। तुमने अली को कॉल करी किधर है? ये लोग करो कॉल, करो कॉल करो, बर्ड वाला सेक्शन भी देखते हैं चल के और आइडिया करते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। जानवर नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल पसंद का जानवर मिस करके लेके जाए? यार मेरे हिसाब से सबसे बड़े जानवर पहले दिल पसंद के होते थे ना यार। लेकिन अब कंपटीशन बहुत हो गया। अब बहुत भैया जी का कलेक्शन दिखाएंगे इंशाल्लाह, नया खूबसूरत तरीन लेके आए। भैया जी नाम नहीं, उमर शेख नाम है बेटा। आगे हैं, हम आपको दिखाएंगे। चले जरा उनके भी जाके जानवर देखते हैं, पहले दिल पसंद नजर मार के मेरे दिल पसंद के यार दिखाते हैं। भाई अली इंतजार कर रहा है वहाँ पे, वो जाले जानवर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दिखा देते हैं। अभी बट बट देख लेते हैं, थोड़े बहुत मुनासिब हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले ये देख लेते हैं दिल पसंद और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। देख रहे हो भाई, बहुत डर लगता है पब्लिक में ब्लॉगिंग करते हुए, किसी को जो ना बुरी ना लगे हमारी कोई बात। देख रहे हो माशाल्लाह से, माशाल्लाह से साले पहाड़ होते हैं पूरे पूरे। अरे काम करते हैं अंदाजन इस जानवर का तेरे ख्याल में क्या रेट होगा, कम से कम अंदाजन है? अंदाजन 50 से करीब जाएंगे, ये वाला 40-50 में जाएगा उसका तो कम से कम भी 30-35 होगा, कम से कम 30-35 लाख रुपए यार, बहुत जिसे कहते हैं ना खूबसूरत किस्म के जानवर है। बट वाले सेक्शन में आ गए हैं और यहाँ पर जो है ना कुछ खास चीजें जो दिखानी है, और सबसे पहले दिखाना है आपको ये वाला केज। फैज भाई इस केज के बारे में बताएं जरा। भाई देखो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप ले लो, वरना आपके लिए फूल है ये काम कर। पहली बात लाउड बोलो, आप तीसरी दफा बोल रहा हूँ मैं ये बात। अच्छा तीसरी चीज ये बताओ, क्या कहते हैं कि केज की जरा क्वालिटी वगैरह और प्राइस वगैरह का अंदाजा जरा बताओ, भाई ने भी बताइए वैसे हमें। भाई ने बताया 1.5 लाख रुपए का पिंजरा है। हाँ यार क्वालिटी में तो भरपूर है। मैं आपको जरा ट्रे दिखाता हूँ ना इसकी, सारा का सारा SS में बना हुआ है और SS+ एल्युमिनियम का था, मैंने खुद ही भूल गया, ऐसे ही कहा था ना SS+ एल्युमिनियम का था। अच्छा आप ही है ना यानी कि? हाँ तो भाई इस तरह सीन था इस केज का कि ये हमारे एरिया के अंदर से गुजर रहे थे तो मैंने बाइक रोक के घुमाई और ये बात है 2 महीने पुरानी। हाँ। भाई मुझे बैठे भी दिखे, मैंने भाई से पूरी डिटेल ली 5-10 मिनट तक और उसके बाद मैंने पूछा। अच्छा मुझे ये बताइए इस केज के अंदर बेसिकली रखना क्या है, किस हिसाब से बना हुआ है? आप गोल्डियन रख सकते हैं, जावा रख सकते हैं, इसके अंदर बजरी रख सकते हैं। यार एक बात बताएं, 70-80 हज़ार रुपए का केज है ना, आपने ऐसा बताया? ये SS में बना हुआ है टोटल? नहीं 70 हज़ार का है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ ना? बिल्कुल, मैं बार बार अमाउंट से कंफर्म कर रहा हूं। 75 हज़ार रुपए का केज है। साइज क्या है इसका? चार दो तीन। अच्छा भाई एक काम करते हैं ना, भाई का कॉन्टैक्ट नंबर आपको जल्दी से दिखा देते हैं, किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 4-2-3। और इसमें लोग वैसे रखते क्या है, वैसे लोग जो नॉर्मली रखते हैं? बजरी और जावा के लिए भाई, बहुत ज्यादा जो ना कहते हैं खूबसूरत किस्म का केज है, तो जिसको इस तरह के केजेस बनवाने हो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पर मौजूद है, जो शो में जाते हैं ना एग्जीबिशन वगैरह के लिए, उनके लिए भी केजेस है। भाई से कॉन्टेक्ट नंबर पूछ लो, भाई का कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया ना मैंने, 2 दफा इनका नंबर दिखा दिया। बस यार एक आइडिया देती है, जिससे कांटेक्ट करना होगा अपने हिसाब से देख लेगा। प्राइस तो आपके आप जिस साइज पे बोलेंगे उस साइज पे बना देंगे। बस एक चीज और है, जैसे कि ये सीड वाली मशीन भी है, सारी के सारे तो ना प्रीमियम प्रोडक्ट बने हुए, लोकल वाले नहीं बने हुए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। चलें भाई आगे की चीजें दिखाते हैं आपको, 2-4 और। शुक्रिया यार, खूबसूरत किस्म का कॉन्सेप्ट है, माइकल भाई बताएंगे इसके अंदर क्या है। माइकल भाई यहाँ से होकर आ चुके हैं। माइकल भाई क्या सीन है इसका? सारे बर्ड्स हैं। टिकट क्या है इसके अंदर आने का? 200 रुपए टिकट है, बड़ा मुनासिब है, चलेंगे? बोलो यार, ये सारी चीजें तो मेरे घर पे पड़ी, मैं देखता रहता भाई। आपस रहते ना यार, कुछ ऐसी यूनिक चीजों के अंदर जाते हैं। हालांकि हम लोग BS पोल्ट्री 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, बट हमें इनका एक का भी नाम नहीं पता अच्छे से। नहीं बेटा हमें पता, आपको नहीं पता। अच्छा भाई इनको तो ना कोई अच्छी चीज होनी चाहिए, केज में इनको डाल के शेड छोड़ देते हैं, फिर शायद इनको सुकून मिलेगा। क्या बोलते हो फैस? इनको केज के अंदर डाल के शेड छोड़ देते हैं तो होना चाहिए ना? या गलत बात है, माइकल को बंदर बोल रहे हैं। बार बार जो है अपने रिश्तेदारों की बातें कर रहे हैं। ये हो गया तारा हिसाब किताब क्लियर। अच्छा भाई जरा ये माशाल्लाह से मकाओ। भाई ये बुला रहा है किसी को यार, बड़े खूबसूरत बर्ड्स पड़े हैं इसमें। देखो काकाटू पड़ा हुआ है और अलेक्जेंडर है और उसके अलावा कॉकटेल है, कॉकटेल कॉकटेल ब्राउन में भी है, वो भी है, गुब्बारा कबूतर है, ग्रीन निकनेक भी है, पहाड़ी है, येलो रिंग नेक है, येलो रिंग नेक भी है, ग्रीन निकनेक भी। अच्छा वो रेड वाले कहते हैं, नाम भूल गया उनका यार, वो दूर से सीधे नजर नहीं आ रहा। अमेज़न भी हो सकता है, अमेज़न भी है। और उसके अलावा यार बहुत खूबसूरत जिसे कहते हैं ना बर्ड्स मौजूद है माशाल्लाह से, और ये सारे के सारे दीवार पे चिपके हुए। ये लोग इंसानों से डर के बिल्कुल ना साइड पे सिमट के बैठे हुए। तो आगे की चीजें भी आपको दिखाते हैं, 2-4 और बताते हैं क्या प्लान है।
जी भाई, एक है पाकिस्तान फर्स्ट ऑनलाइन बर्ड शॉप, नाम क्या है स्मार्ट का? मेरे हिसाब से कुछ लिखा हुआ नहीं है, बर्ड मार्ट। अरे 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 सर, आप क्या हाल है आपके? यार ये स्टॉल आपने लगाया हुआ है माशाल्लाह, यार बहुत ज्यादा खूबसूरत। आपके दोस्त होते थे एक साथ, उसामा साहब कहाँ गए बताएं जरा? उसामा भी नहीं आए, आएंगे 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 आज और देखो माशाल्लाह से। अच्छा भाई, बर्ड्स वाले सेक्शन में आपको जरा कुछ चीजें दिखाते हैं। हारिस भाई जरा बताएं इस व्लॉग के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है इस केज में? डायमंड, हारिस भाई अगेन बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लाउड बोल रहे हैं डायमंड फाइट और रेड फाइट डले हुए इसके। डायमंड फाइट इनको, इनका सारा जो गेम होता है ना, ये वॉश होता है पट्टों में, देखें ऐसे निकलते हैं ये ब्लैक कलर का, उसके बाद फिर ऐसे ऐसा करके वॉश होकर अपना रंग जो है ना बिल्कुल ऐसे व्हाइट कर लेते हैं। और उसके साथ क्या चीजें, ये फिंचेस की म्यूटेशन है सारी। ये फिंचेस वाली कितने की होगी? पसंद आती है अंदाजन भी कम से कम 3-4 के पीस है ये सारा, 3-4 हज़ार रुपए में कम से कम, कम से कम। और ये बड़ी वाली फिंचेस, ये वाली जो है पीछे वाली, मुझे रेट का अंदाजा नहीं है, लेकिन रुपए की पर पीस है। एक है एमक्यू मेरी, और भाई साहब भाई जो है वो अगेन लव बर्ड्स वगैरह की म्यूटेशंस पे काम करते हैं। यार आपसे डायरेक्ट एक ही सवाल करते हैं, लव बर्ड की मार्केट कैसी चल रही है आजकल ये बता दें। थोड़ा सा अच्छा मेरे पानी, थोड़ा सा लाउड बोलेगा, थोड़ी सी स्लो है, लेकिन अभी भी चीजें बिक रही हैं और शौकीन आ रहे हैं और नए पेंसिल आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा। अच्छा यार, जिस तरह बहुत ज्यादा मशहूर हुआ हुआ है आजकल कि मार्केट एकदम डाउन हो गई है, एक्सपोर्ट जीरो हो गई है, बर्ड ज्यादा हो गया, लोग कोई खरीदने वाला नहीं है, इस बात में कितनी सदाकत है और आप क्या कहते हैं? देखिए मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैं आपसे फिर भी आपकी जबानी पूछना चाह रहा हूँ। में इसमें फैलाव ज्यादा है, खबरें ज्यादा फैलाई जा रही है, काम अभी भी हो रहा है, एक्सपोर्ट अभी भी हो रहा है। और ये वाली बात कहनी कि भाई लव बर्ड्स का कोई ये नहीं कि एंड यूजर नहीं है, लोकली कंजम्पशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लोग खुद ही खरीद रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, ऐसी बात को आप डिनाई करते हैं? दोनों चीजें होती है, इसमें एक्सपोर्ट भी होता है और लोग अपने न्यू से न्यू फैंसी लाते रहे। अच्छा अभी जो हल्के से रेट डाउन हुए हैं, मेरे हिसाब से 48 ऐसा होते हैं ना, ऐसा ही है ना, कोई नई चीज नहीं है। और बस बस फालतू में जो नए लोग थे ना, उन्होंने हवा बनाना शुरू कर दिया, मेरे नजदीक तो यही वाली बात है। नए हैं या पुराने ये तो नहीं हमें पता, लेकिन जो भी है उनकी मर्जी है। बस यार एक आपका ओवरव्यू ले ले, शुक्रिया जनाब आपके, बड़े शुक्रिया आपका। एमक्यू एवेरी के नाम से है और आ गए हैं सेटअप के ऊपर, बर्ड्स पैराडाइज बर्ड्स के ऊपर, और माशाल्लाह से देखते हैं वो क्या क्या चीजें रखी हुई है। कहते हैं ना बहुत ही खूबसूरत किस्म की चीजें यार। आप स्टॉल, यार ये क्या चीज, जरा इसका नाम तो बताएं मुझे। ग्रीन डव, भाई ने अलग से मेंशन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ना आसान है और हम लोग पता नहीं क्या सोच रहे। अच्छा इसके अलावा कोई मजेदार सी चीज हो यहाँ पर आपके पास हो? अंदर है वो क्या, थोड़ा सा लाउड बोलेगा बस। अंदर कैप डव है, हाँ, और जेब्रा डव है अंदर सबसे एंड में। तो चलिए उधर जाके देखते हैं अंदर क्या क्या चीज है और आपको दिखाते हैं। कौन सी डब कह रहे हैं? कैप डब और जेब्रा डब। अच्छा कौन सी वाली जरा दिखाएगा, कौन सी जगह देंगे? ये जेब्रा डब है, जेब्रा डब है और वो आगे कैप डब है। अच्छा यार देखें, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि फॉर सेल है या नहीं है, जरा अंदाजन मुझे बता दे प्राइस वगैरह क्या होते हैं और फॉर सेल है या नहीं है ये? ये मैंने फॉर सेल है और प्राइस नहीं, अंदाजन तो प्राइस बता दें, आपको आइडिया होगा? प्राइस का आइडिया नहीं है। ये वाले 25 है, ये वाले 25 है, एक मिनट सही है। भाई अंदाजा नहीं पता, लेकिन तकरीबन 18-20 हज़ार रुपए के करीब इनका रेट है। नंबर भाई का मेंशन है, पैराडाइज बर्ड्स के नाम से इनका काम है। मेरे हिसाब से आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक यूट्यूब चैनल है ना, गिटार के अगर तार निकाल दो ना, गिटार की शक्ल भी ऐसी लगती है। खैर ये आपको नहीं बोल रहे, हम एक भाई को बोल रहे हैं, आप समझ गए ना किसको बोल रहे हैं। तो भाई माशाल्लाह से एक और सेटअप के ऊपर है और UAV बर्ड्स एवेरी पाकिस्तान, माशाल्लाह से अगेन लव बर्ड्स वगैरह की म्यूटेशन पे काम है ना आपका भी। यार हमने एक सवाल पहले किया था, एक सवाल आपसे डायरेक्ट करते हैं, भाई से कर ले। अस्सलाम वालेकुम यार, डायरेक्ट बस एक चीज़ बताएगा, जिस तरह लव बर्ड्स की मार्केट डाउन हुई हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई बिल्कुल बेकार काम है और मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ, बुरा तो नहीं लगा ना, कि बाल ज़्यादा है और बर्ड इतना सेल नहीं हो रहा, इस बारे में क्या ख्याल है आपका और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये बता दें आप कितने टाइम से कर रहे हैं? 5 साल माशाल्लाह से होगा, यानी कि पुराने नए लोग नहीं हैं, इनको पता है मार्केट का उतार चढ़ाव, तो आप ज़रा बताएं क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मुझे तो कहीं नजर नहीं है मार्केट का उतार चढ़ाव। यार लोग वीडियोस बना रहे हैं अपने बर्ड्स ले लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं बिकिनी रहो बिकिनी रहो, ले गया तो बिकते नहीं है। नहीं नहीं, आपने तो वीडियो नहीं बनाई थी, वो एक मार्केट स्ट्रेटेजी होती है कि इसको जिसका एक पीक होता है, बाबा पीक के बाद एकदम ऐसे धड़म करके आगे थी आती है मार्केट। यार देखिए मुझे लगता है पर्सनली एक पीक आता है उसके बाद मार्केट दोबारा स्टेबल हो जाती है, जिस तरह बाकी चीजों की मार्केट होती है, सब कह रहे हैं। मैंने अभी नहीं देखा, अपनी खरीदारी के लिए पैसे गिरा के सारा माल ले रहे सारा माल। यार मुझे लगता है हर साल डाउनफॉल आता है इस टाइम के अंदर जब गर्मी आ रही होती है, और हर साल मैंने नोट किया कि रेट गिरता है। अभी मेरे हिसाब से रेट गिरेंगे, लेकिन अपनी एक्स्ट्रा मेरा ख्याल है कि जो अपनी एक्चुअल है उस पर आ जाएंगे यार, अभी जितना हाई पे थोड़ा सा कम हो जाएगा बस तो नहीं होगा। अब उस पता है हुआ क्या, सबके जहन में यही था कि यार 2 करोड़ कमाने 6 महीने के अंदर, वो वाला दिन टूट गया मेरे हिसाब से, बस ऐसा ही है ना, थोड़े एक अमाउंट है सही। 2 करोड़ कोई भी सुनता है वो बंदा कहता है यार बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस है, ऐसा ही है, ये बेवकूफ़ है।
यार लोगों ने इतना ज्यादा, आपने तो देखी होंगी वीडियोस, लोगों ने यूट्यूब पे कितना प्रमोट किया। अच्छा वही लोग चिल्ला रहे हैं कि बट्स की मार्केट बेकार हो गई, ऐसा ही है? क्यों चिल्ला रहे? यानी कहने का मतलब है कि बस चिल्ला रहे हैं, वजह मुझे नहीं समझ में आया क्यों चिल्ला रहे हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, शायद अपनी वीडियोस के लिए चिल्ला रहे हूँ, मैं सिर्फ एक आइडिया ले रहा हूँ। देखें मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी चीज़ को डाउनफॉल करूँ, बस मकसद ये है कि भाई आपके मुताबिक सही है। ये सोशल मीडिया के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी, हर चीज के ऊपर है। भाई का नंबर मेंशन कर देते हैं, नंबर मेंशन है ये, सही है भाई होता है हमारे, ठीक है। आप इनसे रब्ता करें, कोई मार्केट नहीं, अगर मार्केट में कोई चीज नहीं बिक रही ना जिसके आपको लग रहा है कम प्राइस है वहाँ पर लेगा, बस खत्म बात यार। बस हमारा मकसद यही था कि किसी को गिराना नहीं था, लेकिन बस आइडिया लेना था आपके कि आप लोग माशाल्लाह 5 साल से काम कर रहे हैं, आपके ख्याल के अंदर क्या रेट है मार्केट का? शुक्रिया यार, हम लगा के देंगे। चले 30,000 रुपए, 2 लाख नहीं देंगे। 30,000 रुपए कितने अंदाजन माइंड बताए? तकरीबन 1-1.5 लाख। चले यार ये भी अच्छा अमाउंट है, शुक्रिया यार मिलकर आपसे, अच्छा लगा। नाम आपका? मोहम्मद। चले शुक्रिया जरा। ऐसा कि हमने इन भाई की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी कंप्लीट, लेकिन फैज भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, फैज भाई के चैनल पे अब इसकी अपडेट मिल जाएगी। हारिस भाई किस नाम से मिलेगा चैनल, जरा बताएं दोबारा? एच एफ डेली अपडेट से आपको हारिस प्लस फेस अपडेट्स मिल जाएंगी। तो इनकी जो तो डिटेल अपडेट्स है ना, वो आप इन चैनल पे देख सकते हैं। इनके पास क्या क्या चीज़ें थी वैसे बताना? इनके पास फिंचेस वगैरह थी और बड़े जो एक्सोटिक बर्ड्स होते हैं वो, तो वो सारे के सारे आपको इनके चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, हमारे पास नहीं मिलेंगी, ठीक है। एक चीज़ हो गई है, और हमने बर्ड्स भी देख लिए हैं, गाय भी देख ली है, और बकरा रह गया। गाय भी देख ली है, और कुछ रहता है ऐसा जो हमने नहीं देखा अभी तक? माइकल को दिखाया आपने? माइकल को हमने मास्टर से दिखा दिया। माइकल को कौन से वाले स्टॉल के अंदर डालने हैं जरा बताओ? वो फिश के ना एक्वेरियम में डालने के पानी वाले दो, एक मछली पानी में गया। अच्छा एक मछला पानी में गया गायब। अच्छा भाई चल के आगे चीजें भी दिखाते हैं आपको, क्या सिचुएशन है। एक चीज और आ गई है, और वो आई है, क्या नाम है इसका, ये बकरों वाला सेक्शन आ गया है। बकरे सारे के सारे खूबसूरत किस्म के, बहुत ज्यादा प्यारे बकरे माशाल्लाह से। ये गुलाबी कितना खूबसूरत है यार, क्या कहता है, क्या रेट होंगे इसके अंदाजन? इस वाले बकरे के गुलाबी ब्रीडर जो खड़ा हुआ है, कम से कम 3 या 3 से भी ज्यादा का लग रहा है मुझे तो। बहुत खूबसूरत चीज है, और उसको सिर्फ ठुसाए जा रहे हैं, यानी कि इनका तरीका कार क्या होता है यार, इनको फोर्स फीडिंग कहते हैं इसको बेसिकली। और इसमें करते क्या है, जानवर का मुंह खोल के उसमें घुसेड़ते हैं, है ना, ऐसा ही है ना, सिर्फ ठूसते हैं जानवर के ऊपर। मुझे पर्सनली को जुल्म लगता है, लेकिन ये बकरा आपको साइज में दिख रहा होगा, इसके बिल्कुल साथ एक छोटी सी गाय खड़ी हुई है, और बहुत छोटी, इससे भी छोटी है। और वो जानवर इसके पीछे वाला देखेंगे आएंगे, और इसको देखें लग रहा है पिक्चर के अंदर किसी ने एक्स्ट्रा पिक्चर ऐड करी हुई है इसकी। अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से बहुत तीर मारे तो 1 मन ही गोश्त निकलेगा उसमें से। कितना? 1 मन। हाँ, सही बोल रहे हैं भाई, बहुत। ये देखिए बच्चे कितने छोटे छोटे से, इनके नजदीक कितनी छोटी लग रही है ये, तो फिर आप ये तो और 1 मन से भी कम निकलेगा, मैं उसकी बात कर रहा था। ये बकरे का गोश्त निकलेगा इसमें माशाल्लाह से, लेकिन यार जो पालेगा वो जाहिर से बात है गोश्त के लिए नहीं। देखिए सारी शौक वाली चीज है ये, जो भाई जो भी बंदा लेगा शौक में लेगा गोश्त माशाल्लाह से। वो पीछे वाला भी शौक की चीज है, वो कितना डबल है मेरे हिसाब से, ये 2 खड़े किए हुए ना साथ, इसलिए कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं ना मुनासिब लग रहा है। भाई बकरे वाले सेक्शन में आ गए हैं, और यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाते हैं बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना खूबसूरत किस्म के माशाल्लाह से। अच्छा भाई ये व्लॉग जो था ना पूरे के पूरे कैटल्स के साथ साथ एक ओवरऑल जनरल रिव्यू था। मैं सारे जानवरों को बहुत डिटेल में ले सकता था, पर वो एक जो होता है ना कि एक हमारे जो अपने व्लॉग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो चेंज हो जाता, तो बस उसी हिसाब से ये बनाए। हो सकता है इसमें जानवरों से ज़्यादा इंसान हो अगेन, लेकिन बस एक जिसे कहते हैं ना जनरल सा ओवरव्यू और एक कैजुअल सा व्लॉग। हमारा प्लान भी नहीं था रिकॉर्ड करने का, बस वैसे ही उठ कर आए, और मैंने कहा चलो आप आएँ तो भी इसको रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। भाई अभी दोबारा कुछ खूबसूरत बकरे दिखाते हैं आपको माशाल्लाह से, बहुत ही जिसे कहते हैं ना खूबसूरत किस्म की चीज़। ये देख रहे हो माशाल्लाह से, ये बकरा बराबर वाले घर से जाग रहा है इस घर के अंदर, और उस बकरे से आया। यार ये क्या चीज़ है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से देख रहे हो भाई कितने ज़्यादा खूबसूरत है ये। भाई ये कैसे बड़ा हुआ है, ये आपको वीडियो में बहुत छोटा लग रहा है, ये वीडियो में बहुत छोटा लग रहा है, हमें पछड़ा दिख गया है माशाल्लाह से। यार ये क्या चीज़ है, देखिए ये बच्चा वाकई में गायब हो जाता है माशाल्लाह से, देख रहे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये दोनों के हाथ में एक एक रिबन आया हुआ है, और दोनों का ही काम चल रहा है। भाई खत्म, यहाँ पे इसको इख्तिताम करते हैं, आगे जो जो चीजें हैं वो आपको दिखा देंगे बाद में। अभी तरह ओवरऑल आपको दिखाते हैं ऊपर का क्या सीन है। वो सामने वाला कैटल्स का शेड था, वो भी अगेन कैटल्स का था, वो भी कैटल्स का था, और इसके बिल्कुल पीछे एग्रीकल्चर का था, यानी कि उसमें बर्ड्स वगैरह थे, लेकिन इसके बिल्कुल पीछे हमारे कारकुन नीचे खड़े हुए सारे के सारे रेडी हैं। ये आपको रेड ऑल्टो दिख गई होगी एज यूजुअल, और फैज भाई भी जो है वो वीडियो शायद एंड कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खैर एक बहुत जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट टाइप की वीडियो थी, कुछ प्लान नहीं था, हम लोगों ने रफली विजिट करना था, दोस्त वगैरह सब साथ थे, आगे हम लोगों ने जाना था, अभी जाना है बल्कि, पर मैंने कहा आपको जरा ओवरव्यू देते हैं और आप लोगों को बताते हैं आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा, आगे देखना चाहते हैं या नहीं चाहते। अभी आप 2 मिनट पहले देखते हैं फैज भाई को, उन्होंने गाड़ी से थोड़ा हिट किया है, ठीक है, फैज भाई हिल नहीं रहे थे,
तो अगर अच्छी लगे तो बताइएगा जरूर, और आइंदा इसी तरीके की वीडियोस और रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।